बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, जिसकी शुरुआत करेंगे हम सुर्खियों के साथ। 24 घंटों के संघर्ष के बाद जम्मू कश्मीर के अरनिया में 4 आतंकवादी ढेर, 3 जवान हुए शहीद, तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में तीसरे दौर के लिए चुनाव अभियान चरम पर, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की प्रदेश में रैलियां। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच अहम मुलाकात आज, सरकार में भागीदारी को लेकर हो सकता है समझौता। भारत की पहल को विश्व व्यापार संगठन की हरी झंडी, खाद्य भंडारण के नए नियम जारी, स्थायी समाधान ना निकलने तक सब्सिडी की सीमा पार करने पर कार्रवाई नहीं। ओपेक का तेल उत्पादन में कटौती ना करने का फैसला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरी कच्चे तेल की कीमत, पेट्रोलियम मंत्री ने दाम कम करने की जिम्मेदारी कंपनियों पर डाली। जम्मू के अरनिया सेक्टर में गुरुवार सुबह से शुरू हुए सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान समेत 10 लोगों की मौत हो गई। सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। इस घटना में 3 नागरिकों की भी मौत हुई है। इससे पहले सेना के जवानों ने राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और एक संदिग्ध हथियारबंद आतंकवादी को गिरफ्तार भी किया। आतंकवादियों ने सेना के पुराने बंकर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आसपास के इलाकों से सेना और बीएसएफ के जवान तत्काल मौके पर पहुंचे और आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में जुट गए। कुछ और आतंकवादियों के होने की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में तलाशी अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। पूरा एरिया जो है अब उसको हम लोग सर्च कर रहे हैं, अपने लोगों को वहाँ पे भेजा है इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए कि कोई यहाँ से जो लोग आए हैं उनमें से स्प्लिंटर ग्रुप निकल के और यहाँ से कहीं निकला तो नहीं है। बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज का दिन चुनावी नजरिए से काफी गहमा गहमी भरा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उधमपुर और पुंछ में रैलियां करेंगे, जबकि गृहमंत्री राजनाथ सिंह राज्य के उड़ी, पहलगाम और करनाह में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद गुल, अरनास, गुलाबगढ़ और चेनानी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। झारखंड में 2 दिसंबर को होने वाले दूसरे दौर के मतदान के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज झारखंड में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष पश्चिमी सिंहभूम जिले से लगे चाईबासा और जगन्नाथपुर में चुनावी रैलियां करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल झारखंड पहुंच रही हैं, वो उत्तरी सिंहभूम जिले के पतमदा में रैली करेंगी। दिल्ली में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता पीसी चाकू को प्रदेश का प्रभारी बनाया है। उन्हें कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद की जगह नियुक्त किया गया है। पार्टी के मुताबिक ऐसा शकील अहमद के व्यक्तिगत अनुरोध पर किया गया है। शकील अहमद ने कहा था कि वो दिसंबर से मार्च के बीच देश से बाहर रहेंगे और पार्टी के कामकाज पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। शकील अहमद दिल्ली के अलावा हरियाणा और पंजाब का भी काम देख रहे थे। पीसी चाकू इससे पहले कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख रह चुके हैं। राज्यसभा से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2014 पारित हो गया, जिसके तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए अब लोकसभा में नेता विपक्ष की जगह सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को चयन समिति का सदस्य बनाया गया है। विधेयक को कल लोकसभा ने इससे पहले मंजूरी दी थी। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी के किसी सदस्य की सीट खाली रहने या गैर हाजिरी की वजह से नियुक्ति अवैध नहीं होगी। उन्होंने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का बचाव करते हुए कहा कि जहां भी कॉलेजियम के जरिए नियुक्ति होती है वहां ऐसे ही प्रावधान होते हैं। The very object that we have voluntarily brought this bill is not an act of courtesy that we are showing to any party or the opposition. We want the systems to be strengthened and we will try and bring other legislations in parimateria. चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने की। उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं के सम्मान की बात कही तो समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने सीबीआई के राजनीतिक दुरुपयोग पर चिंता जताई।
that the government could have proceeded on its own. Okay, if the government wants to do that, you can proceed. But can you, given the background, given the history, given the fact that the leader of the opposition, so here you are bringing this amendment because of non-recognition, therefore the leader of the largest party, again going by the largest number test. पूरे देश ने आपको जो मैंडेट दिया, ये मैंडेट इसलिए पब्लिक ने दिया कि बी बोल्ड, आप बोल्ड होकर डिसीजन लीजिए और लगे कि सरकारें देश में काम कर रही हैं और भविष्य में ये संदेश न जाए कि सीबीआई या अन्य किसी माध्यम से राजनीतिक दलों में राजनीतिक लोगों को परेशान किया जा रहा है। सीबीआई प्रमुख का चयन करने वाली समिति में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के साथ प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने मनरेगा के कार्यक्षेत्र में किसी तरह की कमी लाने की अटकलों को खारिज किया है। राज्यसभा में गुरुवार को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार मनरेगा में व्याप्त कमियों को दूर करके उसे और ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में साफ किया कि मनरेगा की कमियों को दूर करने के लिए इस योजना में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना के कार्यक्षेत्र में कोई कमी नहीं की जाएगी। By 34,000 करोड़, the government is laying emphasis on ensuring transparency and accountability in the implementation of the program. A strong management information system has been put into place. Electronic fund management system is. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि मनरेगा से गरीबों को रोजगार की गारंटी मिलती है, इसलिए इसको कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज वन एक्ट मेक्स लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जॉब टू द नीडी पुअर पीपल, इफ नॉट दे मस्ट बी गिवन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सोशल सिक्योरिटी एज पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट लाइज। एंड do not think of weakening this act, do not restrict the implementation of this act to a few blocks as you yes no that's and, okay do not reduce the work days, do not reduce the okay. चर्चा में विभिन्न दलों के नेताओं ने इसे जनहित की योजना बताया और सुझाव भी दिए। किसान के जमीन पर हुआ है, ये कम्युनिटी एसेट नहीं है तो और क्या हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैं समझता हूं कि मनरेगा कार्यक्रम, मनरेगा अधिनियम, मनरेगा स्कीम को जारी रखना चाहिए और जो प्राथमिकता पिछले कुछ सालों में दिया गया है आप जानते हैं उसको बरकरार रखना चाहिए। स्कीम भी जो आप डाइल्यूट कर रहे हैं ये इसी प्रकार के लोगों के लिए कर रहे हैं जो इन कामों में लगे हैं, उद्योगों में लगे हैं या ठेकेदारी में लगे हैं, उनके बढ़ावे के लिए कर रहे हैं। या आप इनकी गारंटी को बना के रखेंगे और जो आपने एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि इतने दिन की गारंटी एम्प्लॉयमेंट की मिलनी ही मिलनी चाहिए, उसको आप मेंटेन रखेंगे या उसको भी आप कम करने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा। 1 करोड़ रुपया खर्च होता है एमएलए के चुनाव में, 20 लाख में लड़ लेता है एमएलए और प्रधान खर्च करता है 1 करोड़। होता क्या है, मैं जयराम रमेश जी सुनिएगा, 131 रुपया, 140 रुपया जो भी मजदूरी है उसमें से 70 रुपया दे दिए, निशान ओरिजिनल है, जेन्युइन सिग्नेचर है और कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, हम अपना कर लेंगे, शेष देख लेंगे, सारा कागज पे हो जाता है। आपने कहा कि मशीन से काम नहीं हो सकता, हाथ से काम होगा। पता करिए कितने मजदूर अपने हाथ में फावड़ा लिए हुए आपने देखा किसी काम करते हुए। सरकार ने बताया कि मनरेगा के तहत हर साल करीब 5 करोड़ परिवारों को रोजगार मिल रहा है और इसके लिए अब तक 1,80,000 करोड़ रुपए मजदूरी के तौर पर दिए गए। अधिनियम के तहत बैंक और डाकघरों में 9,76,00,000 खाते भी खोले गए हैं। इस योजना को 2006 में यूपीए सरकार ने लागू किया था। रविंद्र सिंह चौराण, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा दिलाया है कि जल्दी काला धन रखने वालों को सजा होगी और वो काला धन लाने को मजबूर होंगे। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा बताने से इनकार किया।
कालेधन पर लोकसभा में चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विदेशों में कालाधन जमा करने वाले खाता धारकों का पता लगाने के लिए दूसरे मुल्कों से संधियां कर रही है। टीएमसी और कांग्रेस सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। काले धन के मसले पर लोकसभा में गुरुवार को भी बहस जारी रही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार टैक्स व्यवस्था को आम लोगों के लिए सुविधाजनक बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने की है। ऐसे लोगों का नाम जांच पूरी होने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा। जो प्रक्रिया हम लोग निभा रहे हैं उसको पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सही कानूनी रास्ते पे हम चल रहे हैं और शीघ्र ही ऐसे लोगों को सजा भी होगी और देश में पैसा लाने के लिए भी वो मजबूर होंगे। मैं इतना इस सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले विपक्षी दलों ने सरकार पर काले धन को वापस लाने के मुद्दे पर पीछे हटने का आरोप लगाया। मैं चाहता हूं कि समय सीमा बताइए कि विदेशों में जमा धन है जो हिंदुस्तान का, वो आप राशि कितनी है बताएंगे और किस किस की है। बरसों से जो बहस हो रहा है तो सरकारी पक्ष एक बात बोलते हैं और विपक्ष और एक बात बोलते हैं, और आज भी मंत्री महोदय ने वही व्हाइट पेपर की जिक्र की, जो व्हाइट पेपर इसी सदन में ले आकर के कालाधन के मामले को व्हाइट वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हमारे वित्त मंत्री बहुत मजबूर हैं, असहाय हैं और उनके हाथ बंधे हुए हैं। चर्चा के बाद वित्त मंत्री के जवाब से असंतोष जाहिर करते हुए टीएमसी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। ये पूछना है कि हम आपसे ये तवक्कु करते थे कि ये 100 दिन में आप जो 15 लाख हर एक आदमी के जेब में डालने का था वो कहाँ गया। कांग्रेस के वॉकआउट के बाद वित्त मंत्री ने सदन में मौजूद बाकी सदस्यों के सवाल के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि काले धन के मसले पर सरकार सही रास्ते पर चल रही है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सार्क सम्मेलन में शिरकत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस आ गए हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन सदस्य देशों के बीच ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सभी स्तर पर सहयोग के लक्ष्य के साथ काठमांडू घोषणा पत्र जारी किया गया। सार्क देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी सहयोग का भरोसा जताया है। हालांकि मोटर व्हीकल और रेल संपर्क जैसे अहम समझौतों पर सहमति नहीं बन सकी। सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हाथ मिलाने की तस्वीर भी सुर्खियों में रही। सार्क देशों का अगला सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में होगा। धन्यवाद काठमांडू। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का दौरा खत्म किया। भारत ने सार्क सम्मेलन के नतीजों से संतुष्टि जाहिर की है। वी गो बैक वेरी सैटिस्फैक्टेड विद द आउटकम ऑफ दिस समिट। ऑल्सो सार्क इज नॉट ओनली अबाउट इंडियन पाकिस्तान, इट इज अबाउट all our neighbors in South Asia, and that is the goal with which we came to Kathmandu, and that is the goal we fulfilled. पिछले दो दिनों से सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात पर टिकी थी। सम्मेलन के समापन के दौरान नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने दूसरी बार हाथ मिलाए। भारत ने स्पष्ट किया कि वो पाकिस्तान के साथ सार्थक बातचीत को हमेशा तैयार रहा है। Peaceful and cooperative relations with Pakistan. We are interested in meaningful dialogue. If this interaction today or this shake hand leads to that, we would welcome that. दो दिन तक चले सम्मेलन के बाद काठमांडू घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें सभी सदस्य देशों ने सार्क को बदलते वक्त के मुताबिक नया आयाम देने पर सहमति जताई। ऊर्जा सहयोग करार सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इस करार से 8 सदस्य देशों के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। इससे क्षेत्रीय पावर ग्रिड का एकीकृत परिचालन किया जा सकेगा। सार्क देशों के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए आपस में प्रभावी सहयोग को लेकर भी सहमति बनी। हाईटेक गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए एक साइबर अपराध निगरानी मंच स्थापित करने का फैसला किया गया। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी कानून बनाने को लेकर भी रजामंदी दिखी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर साउथ एशियन इकोनॉमी यूनियन बनाने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर सहमति बनी।
हालांकि रेल और सड़क संपर्क बढ़ाने के करार पर पाकिस्तान के विरोध की वजह से सहमति नहीं बन पाई, लेकिन क्षेत्रीय मोटर वाहन और रेलवे समझौते पर आगे बढ़ने के लिए सदस्य देशों के बीच 3 महीने का समय देने पर सहमति बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आरबीआई ने जारी किए छोटे बैंकों के लिए दिशा निर्देश। आइए बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति में आज का दिन काफी अहम है। आज बीजेपी और शिवसेना के बीच बातचीत होने वाली है, जिसमें तय है कि शिवसेना की सरकार में भागीदारी को तय किया जाना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल इस बात के संकेत दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और चंद्रकांत पाटिल शिवसेना नेतृत्व से सरकार में शामिल होने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं की इच्छा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की जनता भी यही चाहती है। दोनों पार्टियों में यह भावना है कि हमने साथ मिलकर सत्ता चलानी चाहिए। केंद्र में अभी भी शिवसेना एनडीए में है, केंद्र की सरकार में है, इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि महाराष्ट्र की सरकार में भी उनकी सहभागिता होनी चाहिए। पीटीआई के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे में इस बात पर सहमति बनी है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 10 मंत्री होंगे, जिसमें से कम 4 कैबिनेट स्तर के होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव रखा है कि बीसीसीआई चुनाव हो सकते हैं, लेकिन मुद्गल कमेटी में नामित लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे श्रीनिवासन के दोबारा बीसीसीआई अध्यक्ष बनना अब मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने बीसीसीआई को सभी विवादों को जल्द हल करने का निर्देश दिया है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि गड़बड़ियां मिलने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने श्रीनिवासन से पूछा कि इंडिया सीमेंट्स के मालिकाना हक वाली चेन्नई सुपर किंग्स की कमान किसके हाथ में है और इंडिया सीमेंट्स में किस किस के शेयर हैं। इंडिया सीमेंट में अगर रोल है महेंद्र सिंह धोनी का, तो खुद उनके जो काउंसिल उनके एफिडेविट में ही है कि वो वाइस प्रेसिडेंट भी है। तब कोर्ट को इस बात पे थोड़ा ताज्जुब हुआ, एतराज भी जताया कि इंडिया सीमेंट के अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं तो भारत के भी कप्तान हैं, सीएस के भी कप्तान हैं, तो इनका चयन प्रणाली किस माध्यम से हुआ, कोर्ट ये सीएसके से जानना चाहता है। जस्टिस टीके ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सख्त लहजे में श्रीनिवासन के एक साथ बीसीसीआई अध्यक्ष और सीएसके के मालिक होने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई नए चुनाव कराकर नया बोर्ड बनाए और आईपीएल 6 मामले पर जल्द फैसला ले। जो आईपीएल में गड़बड़ किए उनको पूरी तरह से क्रिकेट से बाहर करो, ये होना चाहिए। आई फील दैट इट्स नॉट ओनली मिस्टर श्रीनिवासन, इट्स जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। व्हाट अबाउट दोज हु आर इन द गवर्निंग काउंसिल, द मेंबर्स who were either presidents or chairmen of their association, members of their association who were in the governing council. They violated laws in 2009 when the IPL was taken to South Africa. FEMA violation, FERA violation, FDI violation, RBI violations. There's so many of them. BCCI ने कोर्ट से कहा कि मुद्गल समिति रिपोर्ट में दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए बाहरी आयोग बनाया जाए। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छोटे बैंकों को रिजर्व बैंक के उन सभी नियमों का पालन करना होगा जो बड़े बैंक करते आ रहे हैं। हालांकि छोटे बैंकों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने छोटे बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन नियमों के मुताबिक बैंक खोलने के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं के पास कम से कम 10 साल का बैंकिंग अनुभव होना जरूरी होगा। NBFC, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और लोकल एरिया बैंक भी छोटे बैंकों के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे संस्थानों के प्रमोटर का रिकॉर्ड अच्छा होने के साथ साथ उनके पास कम से कम 5 साल का अनुभव होना जरूरी होगा। छोटे बैंक जमा योजनाओं के साथ साथ उन क्षेत्रों को कर्ज प्रदान कर सकते हैं जो इस सुविधा से महरूम है। छोटे बैंकों के कार्यक्षेत्र पर कोई रोक नहीं लगाई गई है,
रिजर्व बैंक की शर्त है कि इन बैंकों की कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। बैंक की शुरुआत में प्रमोटर की हिस्सेदारी 40% होगी, जिसे 12 साल के अंदर घटाकर 26% करना होगा। जहां तक विदेशी निवेश का सवाल है, तो बैंक को सरकार की एफडीआई नीति का ही पालन करना होगा। सभी व्यावसायिक बैंकों की तरह छोटे बैंकों को भी सीआरआर और एसएलआर जैसी शर्तों का पालन करना होगा। बैंक को 75% कर्ज प्राथमिकता के आधार पर चुने गए सेक्टरों को देना होगा। अगर कोई छोटा बैंक बड़े बैंक में तब्दील होना चाहता है, तो उसे न्यूनतम पूंजी और न्यूनतम संपत्ति जैसी जरूरतों को पूरा करना होगा। इसके अलावा उसका छोटे बैंक के तौर पर ट्रैक रिकॉर्ड और उसका प्रदर्शन भी ध्यान में रखा जाएगा। इस संबंध में आरबीआई का फैसला अंतिम होगा। इस साल जुलाई में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में नए बैंक खोलने और लाइसेंस की प्रक्रिया सार्वजनिक करने का ऐलान किया था। आरबीआई की तरफ से आवेदन मंगाए जाने के बाद आईडीएफसी और बंधन को बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व व्यापार संगठन में भारत के पक्ष को भारी विजय मिली है। खाद्य भंडार को लेकर 19 सालों से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया है। डब्ल्यूटीओ ने इसे कार्यान्वित करने के नियमों पर मुहर लगा दी है। जिनेवा के बंद कमरों में हुई कई बैठकों के बाद विश्व व्यापार संगठन ने सुधारों की ओर पहला कदम उठाया। इसकी प्रमुख बातों में खाद्य भंडारण से जुड़े मुद्दों पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कोई इसका स्थायी समाधान नहीं निकाल लिया जाता। इससे पहले WTO का नियम था कि देश कुल उत्पादन का सिर्फ 10% ही सब्सिडी के रूप में दे सकते हैं। अगर वे इस सीमा को पार करते हैं तो 2017 से उन पर नियमों के उल्लंघन का मामला बनता था। नई व्यवस्था से भारतीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को मदद मिलेगी। भारत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर हर साल करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करता है और उसे 62 मिलियन टन अनाज की जरूरत होती है। अब इस नई व्यवस्था को WTO के 2/3 सदस्य देशों की मंजूरी की जरूरत होगी। इससे पहले अमेरिका और दूसरे विकसित देश अनाज पर एक सीमा से ज्यादा सब्सिडी देने का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ऐसी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार असंतुलन पैदा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की लगातार कम हो रही कीमतों के बावजूद उत्पादन का स्तर बनाए रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट दर्ज की गई। In the interest of restoring market equilibrium, the conference decided to maintain the production level of 30 million barrels a day as was agreed in December 2011. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक समूह के 12 देशों की वियना में हुई बैठक में उत्पादन कम ना करने का ऐलान हुआ तो इसका सीधा असर तेल कीमतों पर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव गिरकर $74 प्रति बैरल हो गए। ओपेक पर उत्पादन कम करने का दबाव था, लेकिन सऊदी अरब और उसके सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने उत्पादन में कटौती का विरोध किया। Years or 4.5 years, we have a very decent price. So now price decline, that does not mean that we should really, you know, rush and do something. We have to wait and see how the market will settle. OPEC के फैसले का सीधा असर बाजार में तेल की कीमतों पर पड़ा, जो गिरकर $72 प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। इसके $60 प्रति बैरल तक गिरने की संभावना है, जो 2005 में तेल की कीमतों से कम है। इधर केंद्रीय तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत में दाम कम करने का फैसला तेल कंपनियों को लेना है। पेट्रोल डीजल की दाम अभी मार्केट लिंक्ड है, बाजार के साथ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार उसको अपने तेल कंपनियों के हाथ में छोड़ दिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो भाव होगा उसी हिसाब से बढ़ेगा घटेगा। दूसरी तरफ ओपेक के फैसले का असर वेनेजुएला, ईरान, इराक और रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। तेल की घटती कीमतों के चलते पहले से ही घाटे में चल रही इन देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि वो परमाणु विवाद पर जारी बातचीत की समय सीमा बढ़ाए जाने के खिलाफ नहीं है। खामनेई के मुताबिक ईरान इस मुद्दे का शांतिपूर्ण हल चाहता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान पश्चिमी देशों के दबाव में आकर अपने अधिकारों में कोई कटौती नहीं करेगा। اما اونجایی که پای زورگویی و زیاده طلبی باشه نه، جمهوری اسلامی
از صدر تا ذیل، هم مردمش هم مسئولینش. अमेरिका में आजकल थैंक्स गिविंग का मौसम चल रहा है। इस मौके पर न्यूयॉर्क में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। कड़कड़ाती ठंड में भी लोग भारी संख्या में सड़कों के किनारे इकट्ठा हुए और अपने मनपसंद कार्टून कैरेक्टर्स के बड़े बड़े पुतलों को देखा। आप भी देखिए इस परेड की कुछ झलकियां। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। 24 घंटों के संघर्ष के बाद जम्मू कश्मीर के अरनिया में 4 आतंकवादी ढेर, 3 जवान हुए शहीद, तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में तीसरे दौर के लिए चुनाव अभियान चरम पर, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की प्रदेश में रैलियां। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच अहम मुलाकात आज, सरकार में भागीदारी को लेकर हो सकता है समझौता। भारत की पहल को विश्व व्यापार संगठन की हरी झंडी, खाद्य भंडारण के नए नियम जारी, स्थायी समाधान ना निकलने तक सब्सिडी की सीमा पार करने पर नहीं कार्रवाई। ओपेक का तेल उत्पादन में कटौती ना करने का फैसला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरी कच्चे तेल की कीमत, पेट्रोलियम मंत्री ने दाम कम करने की जिम्मेदारी कंपनियों पर डाली।